गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पहला दिन है गणित का, इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो भूल गए होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है मैथमेटिक्स का, वही हम लोग रिवीजन करेंगे आज। तो इसलिए पहले जान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर्स, नंबर्स नेम्स एंड रीडिंग नंबर्स ऑन अ बेकस। इसका अर्थ है कि हमें अंकों के बारे में पढ़ना है। संख्याओं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थात संख्याओं का उच्चारण कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और संख्याओं की गणना कैसे करते हैं, हमें गणना करने के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें बस इतना ही सीखना है। तो इन चीज़ों को सीखने से पहले हमें पहले जानना पड़ेगा कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स नेम्स क्या होते हैं। ठीक, तो पिछली कक्षा में आप लोग तो लर्न किए होंगे, पिछले क्लास में, तो उसी को रिवीजन कर लिया जाए। आज कल से स्टार्ट किया जाएगा न्यू क्लास, और जो आज हम होमवर्क देंगे उसे आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम जानते हैं कि नंबर्स नेम्स क्या होते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो इतना तो सभी लोग को लर्न होगा। अब इसके आगे कैसे लिखते हैं, आप लोग को बस 20 तक ही लर्न करना है, बाकी हम लर्न करवा देंगे। 10 के बाद क्या आएगा, 11। बस यहीं तक आप लोग को एग्जैक्टली लर्न करना है, 1 से 10 एंड 11 से 20। अब हमें मान लीजिए लिखना है 21, क्या लिखना है, 21। इसको कैसे लिखेंगे, 20 का मीनिंग लिख देंगे TWENTY। अब इसका एक वन है तो वन लिख देंगे, ओ या नी। ऐसे लिखना है 22, तो ऐसे लिख देंगे TWENTY और TWO। ऐसे 23, 24, 25, 26, 28, 29, 7, 8, 9। उसके बाद क्या आएगा, 30, तो 30 को ऐसे लिख देंगे TH IRTY। अब हमें लिखना है मान लीजिए 31, क्या लिखना है, 31। 31 को कैसे लिखेंगे, लिख देंगे 30 THIRTY। उसके आगे क्या लिख देंगे, ONE। ऐसे 32 चलता जाएगा कहाँ, 39 के बाद क्या आ जाएगा, 40। तो 40 को लिख देंगे FORTY। अब ऐसे लिखना है मान लीजिए 41, तो आप लोग लिख देंगे आराम से FORTYONE। 42 लिखना है तो क्या लिख देंगे, FORTY40TWO। तो ये हो गया 42। 40 के 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 लिख देंगे, यार यहाँ पे लिख देंगे 49। उसके बाद क्या आ जाएगा, 50। तो 50 को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिख देंगे 50 FIFTY। अब बाय द वे हमें लिखना है क्या, 51, तो आराम से लिखेंगे FIFTY50ONE। हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं, हम बस रिवीजन कर रहे हैं। जिनको भूल चुका है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है तो ऐसे सीखेंगे, घर पे खुद लिखेंगे, ऑलरेडी उन्हें आ जाएगा। 52 लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 50 FIFTY50TWO। 53 लिखना है तो लिख देंगे FIFTY50 और THRW53। ऐसे चलते जाएंगे, उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आ जाएंगे हम 60 पे।
59 तक जा पाएंगे आप लोग, तो लिख देंगे 50 एंड NIIN9, उसके बाद आ जाएंगे 60 पे, तो SIXTY60। अब हमें मीनिंग लिखना है 61 का, तो SIXTY60 ONE। फिर क्या आएगा, 62, तो लिख देंगे XIXTY60 TWO। ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आ जाएगा क्या, 70, ठीक है ना। तो 50 तक हो गया था, तो 50 के आगे बढ़ते हैं। 50 का मीनिंग अगर किसी को लर्न हो गया तो लिखेंगे 51, तो 51, 52 लिखेंगे, तो बस हमें 50 का मीनिंग याद हो जाएगा। तो 59 तक आराम से लिख लेंगे, 52, 53, इसी तरह 54, 55, ऐसे ऐसे 9 तक जाएंगे। 59 के बाद क्या आता है, 60 आता है, तो 60 का मीनिंग आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। 60 आ गया, 61 लिखना है, तो 61, 62, 63 लिखना है, तो लिखेंगे 63। सिक्सटी थ्री, 64, 65, 67, 68, 69, फिर आ जाएगा 70। 70 का मीनिंग लर्न कर लेना, SEVENTY, 70, 71, इसी तरह 72, 73, कहाँ तक लिखेंगे आप लोग, 79 तक। 79 के बाद क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, फिर 81, 82, 83, फिर 84, 85, 86, 87, 88, 89, फिर क्या आ जाएगा 89 के बाद, आ जाएगा आप लोग का 90, तो 90 लर्न करना पड़ेगा। फिर 91, 92, इसी तरह क्या हो जाएगा 93, तो 90 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद आगे क्या ऐड कर देंगे, 3। फिर 94, 95, 96, 7, 8, 99 के बाद क्या आ जाएगा, 100। तो इस तरह आप लोग सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह बना बना के पहले लिखना कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आप लोग को लिखना है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आप लोग को लिखना है। फिर उसके बाद जैसे लिख लेंगे आप लोग, ऑलरेडी आप लोग को लर्न हो जाएगा। तो 2 टाइम्स लिख के आप लोग को क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है ना। यही आप लोग का क्या है, होमवर्क है। आराम से आप लोग बना बना लिखिएगा, जैसे हम लिखे हैं, जैसे हम बताए हैं, उसके बाद आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है।